हेलो, मुबारक हो आपको। आपकी बेटी जिस्म फरोशी करती है, और आपको भी मुबारक हो। आपका बेटा जिस्म का धंधा करता है। घबराने की बात नहीं है, जिस्म फरोशी एक प्रोफेशन है, अब एक पेशा है। आपके बच्चे अब चाहे तो पूरे वकार के साथ अपना जिस्म बेचकर रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। आपको ना पुलिस रोक सकती है, ना टोक सकती है, और ना ही आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को भी बावकार शहरी होने का आईनी हक बहाल कर दिया है। यकीन नहीं आ रहा है, रिपोर्ट देखिए। इज्जत बेचना और इज्जत नीलाम करना, जब पेशे का दर्जा हासिल कर ले तो फिर उस समाज को वक्त निकाल कर सोचने की जरूरत है जिसके नज़दीक इज्जत, आबरू और हया मुआशे का सबसे कीमती जेवर है। समाज अब तक यही मानता रहा है कि जिस्म फरोशी इस दुनिया का सबसे गलीज काम। अपनी इज्जत को अपनी मजबूरी या खुशी की वजह से किसी जाने या अनजाने शख्स के हाथों नीलाम करना समाज में सबसे गंदा काम तस्वूर किया जाता था। लेकिन शायद अब ऐसा न हो, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे इस कदर बदल गई है कि आज जिस्म फरोशी के ऊपर से ऐब का पर्दा हटने लगा है और जिस्म फरोशी को वकार मिलने लगा है। जिस्म फरोशी एक गंदा काम नहीं बल्कि एक बावकार पेशा होने जा रहा है, और इसको वकार बख्शने का ऐलान अदालत उज़्मा की जानिब से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी नाहिये से कोई सवाल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र समाज पर कम, आईन पर ज़्यादा होती है। अलबत्ता सवाल उस समाज से है जिसने अब यह कबूल करना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी बेटी बहन अपना जिस्म बेचती है तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि ये अब एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, और वो भी बावकार। एक सवाल उन ख्वातीन से भी है जो बहन बेटी की इज्जत और आबरू की बका और जिस्म फरोशी के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करती थीं और आज खामोश है। आखिर खामोशी की वजह क्या है? सवाल उस मुर्दा समाज से भी है जो तरक्की के नाम पर इज्जत की नीलामी कबूल करने को तैयार है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस फरोशी को जिस अंदाज में पेशावराना दर्जा दिया है उस पर बात करने से ज्यादा सोचने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म सादिर करते हुए कह दिया है कि यह कहने की जरूरत नहीं कि पेशे को आप मानते हैं या नहीं। इस मुल्क में हर फर्द को आईन की दफा 21 के तहत बावकार जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत मसावी तहफ्फुज़ के हकदार हैं। 3 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में फौजदारी कानून का इतलाक तमाम सूरतों में उम्र और रजामंदी की बुनियाद पर होना चाहिए। जजों का कहना था कि जब ये वाजे हो कि जिंसी कारकुन एक बालिग है और रजामंदी से ये काम कर रहा है तो फिर पुलिस को इसमें मुदाखलत करने या उसके खिलाफ किसी किस्म की मुजरमाना कार्रवाई करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत का कहना था कि देखा यह गया है कि सेक्स वर्कर्स के साथ अक्सर पुलिस का रवैया पुरतशद्दुद और वहशियाना होता है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा तबका है जिसके हुकूक को तस्लीम नहीं किया जाता। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिस्म फरोशों के हुकूक के तई हसास होना चाहिए। मजीद बरां, आइन में जो हुकूक तमाम शहरियों के लिए हैं उन्हें भी ऐसे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक और दीगर हुकूक हासिल होने चाहिए। अदालत उज़्मा ने साफ लफ्ज़ों में पुलिस को यह हिदायत दी है और कहा है कि पुलिस को तमाम सेक्स वर्कर्स के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए और उनके साथ ज़बानी और जिस्मानी तौर पर बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए और न ही उन्हें किसी जिंसी सरगर्मी पर मजबूर किया जाना चाहिए। याद रहे कि सेक्स वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए एक पैनल तश्कील दिया गया था जिसने अपनी सिफारिशात पेश की थी, और उसी की बुनियाद पर अदालत उज़्मा ने अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए यह हिदायत जारी की है जिसके मुताबिक जिस्म फरोशी एक प्रोफेशन यानी पेशा है। जिस्म फरोशी करने वाले भी कानून के तहत वक़ार और मसावी तहफ़ के हकदार हैं। अदालत ने साफ हुक्म दिया है कि जो भी बालिग अफराद जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता हैं उनके काम में पुलिस को न तो किसी बेजा मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए और न ही उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुजरमाना कार्रवाई। साथ ही साथ मुल्क की पुलिस फोर्सेस को खसूसी तौर पर यह हिदायत भी की गई है कि वो सेक्स वर्कर्स के साथ इज्जत के साथ पेश आएँ। फिर सवाल यह है कि जिस्म फरोश भी बाइज्जत हैं तो बेइज्जत किसे कहेंगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा।